कानपुर के एक और फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही कम टाइम में कानपुर के तीन अलग अलग फूड पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे सुबह का एक बढ़िया ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आपको बताएंगे शाम का एक बहुत ही धमाकेदार इवनिंग स्नैक यानी कि कांजी बड़ा, और एट लास्ट आपको बताएंगे कानपुर का अभी तक का जो मुझे सबसे बढ़िया डोसा लगता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कानपुर के 50 से भी ज़्यादा व्लॉग्स अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। यहाँ से आप शुरू करते हैं कानपुर के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मिलेगा कि ताज़ा ब्रेकफास्ट। मेस्टन रोड के बीच वाला मंदिर के पास मौजूद इस दुकान की खासियत यह है कि ये 60 साल से यहाँ पर मौजूद है। और अगर कानपुर के ट्रेडमार्क ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेड मक्खन और मट्ठा वाकई पॉपुलर होता है। आपको शायद कानपुर में रहकर इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं जब बाहर रहता हूँ तो मैं इस ब्रेकफास्ट को वाकई मिस करता हूँ। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें, इस पर्टिकुलर शॉप में इसकी प्राइस है मात्र 35 रुपीस। इसमें आपको एक ब्रेड और एक मट्ठा मिलेगा, लेकिन अगर आप बंद के साथ मट्ठा लेंगे तो आपको वो पड़ेगा 40 रुपीस का। आपको इस दुकान की एग्जैक्ट लोकेशन बताना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये है बीच वाला मंदिर, ये रोड गई है मूलगंज की तरफ, और ये जो सामने रोड दिख रही है ये जेड स्क्वायर की तरफ। इसको खाकर इसका उद्घाटन करने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी कानपुर का बढ़िया फूड पॉइंट पता हो, या आप हमें इनवाइट करना चाहते हो, तो ये नीचे जो इंस्टाग्राम का लिंक है यहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो आप लोगों के लिए ही होता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि कमेंट करने का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। शॉप के ओनर से बात करके हमको पता चला कि इन्होंने अब मंदिर के ठीक बगल में एक खुद की दुकान परचेज भी कर ली है, और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, और ये हमारा भाई वेट कर रहा है। स्वर्ग में मट्ठा नहीं मिलेगा तो यहीं पर भूलोक में खा पी कर जाओ स्वर्ग में, ठीक है। अगले वेन्यू पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठग्गू के लड्डू से लेकर बदनाम चाय, और बदनाम चाय से लेकर बनारसी चाय, इन सभी के व्लॉग्स मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो कभी मन करे, इच्छा करे, अंदर से मन हो तो जाकर देख लेना, लाइक वाला बटन दबा देना। लाइक ना भी करना तो कमेंट करके उसमें उस व्लॉग की कमी हमको बता देना, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है वो हम गए थे दिवाली की रात को, और वहाँ पर हमने खाए थे कांजी बड़ा। तो अब हम यहाँ से सीधा आपको ले चल रहे हैं काटा बाट गली के सामने, यानी कि बादशाही नाका, जिसको हम कुली बाज़ार के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर मौजूद मिश्रा जी के कांजी बड़े। इनकी खासियत यह है कि मात्र 20 रुपये में आप एक प्लेट लो, और जितने बार मन आए आप पानी ले सकते हो। तो 3 बार तो मैंने खुद पानी लिया, बहुत ही बढ़िया लगता है कांजी बड़ा का पानी वाला पानी। एक ख़ास बात और बताऊं कि डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स का व्लॉग तो मैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर से बना सकता हूँ, लेकिन कानपुर का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो है यहाँ का स्ट्रीट फूड। आपको शायद इस बात का एहसास ना हो कि कानपुर कितना शानदार स्ट्रीट फूड का हब है। मैं बरेली में रहता हूँ, और मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिस करता हूँ वो है मेरी मम्मी, जो कि अभी स्कूटी के सामने खड़ी हुई है, और दूसरे नंबर पर है ये कानपुर का बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, धमाकेदार कंचाप स्ट्रीट फूड। बातों ही बातों में हम आपको लेकर आ चुके हैं इस व्लॉग के तीसरे और फाइनल लोकेशन में, जो कि है एक ही बहुत ही बढ़िया डोसा। ये हम इस वक्त मौजूद हैं स्वरूप नगर में मधुराज के पास में, जिसकी कचौड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। दिन में कचौड़ी खाओ, शाम को आकर डोसा खाओ। चलो आपको इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले याद दिला दूँ कि ये व्लॉग्स बनाने में जो मेरा खर्च होता है वो होता है टाइम, पैसा और पेट्रोल, लेकिन आपका कुछ भी नहीं खर्च होगा। इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और बहुत अच्छी लगी हो तो मन हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मैसेज करके मुझे तुम कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर सकती हो।
कर सकती हो, ठीक है, कर सकती, सकते नहीं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।